बिग बॉस के घर के अंदर कल बजर टास्क से हुआ है एक और बड़ा एलिमिनेशन। इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन की खबरें सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि मेकर्स ने दिया है बहुत बड़ा झटका और घर के अंदर एक साथ हुए हैं डबल एलिमिनेशन। बजर टास्क के जरिए ये एलिमिनेशन किया गया है, तो कौन से दो सदस्य हुए हैं बेघर, क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि जहां एक तरफ इस हफ्ते रिंकू को सबसे कम वोट मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने कुछ अलग और बड़ी प्लानिंग की हुई है। यहाँ पर मेकर्स जो है वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर लगातार इस हफ्ते और आने वाले हफ्तों में यानी कि फिनाले तक एक साथ दो कंटेस्टेंट जो है एलिमिनेट होंगे, यानी कि हर हफ्ते दो एलिमिनेशन होने वाले हैं। और इस बार औरा को दी गई थी बड़ी पावर और हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक साथ दो सदस्य गए हैं। रिंकू के साथ साथ आयशा के भी बाहर जाने की खबरें आ रही हैं, यानी कि रिंकू के साथ साथ अब आयशा का भी एलिमिनेशन हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब चीज़ें सामने आ रही थी और जिस तरीके से अब बजर टास्क से डबल एलिमिनेशन हुआ है, पहले आयशा की घर के अंदर एंट्री और अब बजर टास्क से उसको बाहर भेजना, कहीं ना कहीं मेकर्स मुनव्वर के गेम को ख़राब करना चाहते थे और अपनी प्लानिंग के अनुसार ही उन्होंने पहले आयशा की एंट्री दी और अब जब मुनव्वर को उसने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है तब अब जो है वो बाहर आ चुकी हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि आयशा का आना और फिर जाना इससे मुनव्वर के गेम पर असर पड़ेगा, आप क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।